पटना हाई कोर्ट के बिहार में चल रहे जातीय गणना पर अंतरिम रोक के फैसले के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। महागठबंधन और एनडीए नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। शनिवार 6 मई को आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जातीय गणना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और पूछा कि अगर बीजेपी जातीय गणना की समर्थक है तो कोर्ट के फैसले के बाद उसके कार्यालय में मिठाइयां किस खुशी में बांटी गई। इसी कड़ी में रविवार 7 मई को जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दुनिया के 80% देशों ने जनगणना पूरा कर लिया, फिर केंद्र सरकार जनगणना क्यों नहीं कराई। दरअसल महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि बीजेपी पर्दे के पीछे से जातीय गणना का विरोध कर रही है। मीडिया से मुखातिब नीरज कुमार ने कहा कि जातीय गणना के रोक के लिए जो 6 आवेदन करता हैं वे सभी अमित शाह के दुलरुआ हैं। नीरज कुमार ने जातीय गणना के रोक के मामले को लेकर कहा कि कोर्ट में संगठन यूथ फॉर इक्वालिटी के 6 आवेदन करता हैं, इसमें प्रोफेसर माखन लाल, प्रोफेसर संगीता कुमार रागी, प्रोफेसर कपिल कुमार, डॉक्टर भूरेलाल, अहना कुमारी और एक सोच एक प्रयास शामिल है। ये सभी अमित शाह के दुलरुआ हैं। बीजेपी के नेताओं के सह पर याचिका दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बताए इन याचिकाकर्ताओं के साथ बीजेपी का क्या संबंध है। इसके साथ ही नीरज कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार न सिर्फ जाति गणना विरोधी है बल्कि जनगणना की भी विरोधी है। सुनिए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार को। उसको अलग कर दो, सिरधर से अलग कर दो। अब समझिए इस सामाजिक व्यवस्था पर कितना बड़ा, और वो भी पिटिशनर है इस माननीय उच्च न्यायालय में याचिका के। इनका जन्म टिप्पण देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एनसीईआरटी के बुक्स का इन्होंने संपादन किया है, और यह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर उसे सर धड़े से अलग कर दिए। आपराधिक कृत करने की बात कहते हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के विभाग में कार्यरत है। और ये जान लीजिए, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में इनको पद से हटा दिया गया था। लेकिन 56 इंच का सीना जब देश का प्रधानमंत्री बने तो नवंबर 2014 में इनको पुनः बहाल कर दिया गया। इस बात के लिए बहाल किया गया कि सर को धड़ से अलग कर दो। भाई देश के अंदर कौन सा वातावरण बन रहा है? कोई प्राध्यापक कैसे अपनी सीमा को लांघ कर करके, जो देश के संविधान के भी दायित्व है उसके तहत अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर करके अपनी बात कह रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी से हम यह जानना चाहते हैं, आप तो कह रहे हैं कि बात को ठीक से रखे नहीं। अरे याचिका तो अपरोक्ष रूप से आपने दाखिल करवाया, क्योंकि आपके मन के अंदर यह मंशा थी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने देश में कहा कि सामाजिक आर्थिक गणना होगी, समाज के तमाम लोगों को जो उनके जीवन के माली हालात हैं उसकी अद्यतन जानकारी लेना है। तो आपने कह दिया कि भाई मजबूती से नहीं रखा गया है, तो आपका कलम का स्याही सूख गया है। ये वकील का फौज का के लिए रखे रहते भाजपा में, क्यों नहीं इंटरवेनर बने आप हाईकोर्ट में? अगर आपको यह लगता है कि नहीं जाति गणना आवश्यक है, आपने अगर सर्वदलीय बैठक में मन से शामिल हुए, अगर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में गए, उसके बाद यह कहा गया कि राज्य सरकार करा सकती है। और जब हमने कराना, जब यह प्रक्रिया फर्स्ट फेज का शुरू हो गया ट्रेनिंग दे करके, बजटीय व्यवस्था करके,
तो आपने जानबूझकर कर करके, क्योंकि आपके मन के अंदर विषैला जहर है, आप फॉर इक्वलिटी प्रोफेसर माखनलाल, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, ये सब बेचारे अमित शाह जी के दुलरुआ है, सब एकदम फिट दुलरुआ है, प्रोफेसर कपिल कुमार, डॉक्टर भूरे लाल, मिसेज अहना कुमारी, एक और है एक सोच एक प्रयास, देख ये सब है जानबूझ के किया है, एकदम प्लैंड वे में या कहा है। अब राजनीति में अति पिछड़ा दलित और गरीब सवर्णों को जो हक मिला था उससे इनको पेट में बहुत दर्द है, अपने तो हिम्मत नहीं हो रहा है, क्या दाएं बाएं का खेल खेल रहे हैं। अरे बिहार है, दाएं बाएं का खेल खेलिएगा तो जनता दल यू के पास तीर है और वो तीर मेरा एकदम अचूक निशाना पर बैठता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब बतावे कि इससे क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी का, और मेरा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सह पर यह याचिका दाखिल की गई है और उसके पीछे मंशा यह है कि संविधान के तहत दिए गए प्रावधान जो आरक्षण की सुविधा है उसको भारतीय जनता पार्टी का कुनबा समाप्त करना चाहता है।